गाइस, आप विंडोज 11 में फोल्डर क्रिएट करना नहीं आती तो ये वीडियो पूरा तक देखिए, आप पूरा जान जाओगे कैसे फोल्डर क्रिएट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दो। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम फोर प्रोसेस में फोल्डर को क्रिएट करेंगे। पहला जो प्रोसेस, आप सिंपली डेस्कटॉप में राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, न्यू न्यू में क्लिक करेंगे। न्यू में क्लिक करने का आपको ऊपर में दिख जाएगा फोल्डर, फोल्डर में क्लिक करेंगे, आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। आप नेम डालेंगे, हम यहाँ नेम डालेंगे कंप्यूटर एंड एंटर में क्लिक करेंगे, आपका जो नेम वो आ जाएगा। आपका फोल्डर का नेम गलत होगा ये, और इसको कैसे रिनेम करेंगे उसके लिए फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे देखेंगे रीनेम, रीनेम में क्लिक करेंगे। रीनेम में क्लिक करने के बाद आप फोल्डर का नेम रीनेम कर सकते हो। हम यहाँ रीनेम करेंगे कंप्यूटर ऑन एंड एंटर में क्लिक करेंगे। एंटर में क्लिक करेंगे, आपका फोल्डर का नेम चेंज हो जाएगा। फोल्डर ओपन करने के लिए क्या करेंगे, एंटर में क्लिक करेंगे, आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। फोल्डर के अंदर टेक्स्ट फाइल, वर्ड फाइल, बिटमैप, इमेज फाइल ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू में आएंगे। आने के बाद हम सिंपली टेक्स्ट फाइल ऐड करेंगे, उसके लिए नीचे देखेंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का नेम डालेंगे, हम ऐड नेम डालेंगे डेमो एंड एंटर में क्लिक करेंगे, आपका टेक्स्ट फाइल ऐड हो गया है। आप इसको ओपन करना चाहते हो क्या करेंगे, सिंपली एंटर में क्लिक करिए, आपका जो फाइल वो ओपन हो जाएगा। आप इसमें डॉक्यूमेंट टाइप करना चाहते हो आप सिंपली डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हो, हम इसको कर देंगे क्लोज। और टेक्स्ट फाइल को डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर में आपको दिख जाएगा डिलीट ऑप्शन, आप इसमें क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। और कीबोर्ड से डिलीट करना चाहते हो आप सिंपली डिलीट प्रेस करिए, आपका डिलीट हो जाएगा टेक्स्ट फाइल। फोल्डर को डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, पहला सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको साइड में दिख जाएगा डिलीट ऑप्शन, आप सिंपली डिलीट कर सकते हो। और कीबोर्ड से करना चाहते हो आप सिंपली डिलीट प्रेस करिए, आपका डिलीट हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस, फोल्डर क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, दिस पीसी को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम ई ड्राइव को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ फोल्डर क्रिएट करने जाता क्या करेंगे, आप ऊपर में देखेंगे न्यू, न्यू में क्लिक करेंगे एंड नीचे देखेंगे फोल्डर, फोल्डर में क्लिक करेंगे। फोल्डर का नेम डालेंगे, हम यहाँ टाइप करेंगे टेक एंड एंटर में क्लिक करेंगे। एंटर में क्लिक करने के बाद आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, हम इसको डिलीट कर देंगे। तीसरा जो प्रोसेस है, आप कीबोर्ड से कैसे फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, वो भी किसी भी ड्राइव में, उसके लिए कंट्रोल सी एंड एन प्रेस करिए, आपका जो फोल्डर वो क्रिएट हो जाएगा। हम यहाँ नेम डालेंगे रॉनी एंड एंटर में क्लिक करेंगे। एंटर में क्लिक करने के बाद आपका जो फोल्डर वो क्रिएट हो जाएगा, हम इसको डिलीट कर देंगे। चौथा जो प्रोसेस है, आप कॉमन प्रॉम्प्ट से कैसे फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए सर्च मेनू में क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे CMD और इसको रन एस एडमिनिस्ट्रेटर मोड में खोल लेना है, यस कर लेना है। यस करने के बाद हम ई ड्राइव में जाने के लिए आप हम टाइप करेंगे CD... एंटर में क्लिक करेंगे, फिर CD... एंटर में क्लिक करेंगे। यहाँ ई टाइप करेंगे, कॉलन दे देंगे एंड एंटर में क्लिक करेंगे, आपको आप ई ड्राइव में आ जाएंगे। हम यहाँ टाइप करेंगे MD और फोल्डर का नाम देना चाहते हो आप सिंपली फोल्डर को नाम दे सकते हो। हम यहाँ नाम डालेंगे राहुल एंड एंटर में क्लिक करेंगे। एंटर में क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा, हम यहाँ रिप्लेस कर लेंगे। आप देख सकते हो राहुल नेम के एक फोल्डर क्रिएट हो गए, हम इसको डिलीट कर देंगे। ये था फोल्डर क्रिएट करने के लिए कुछ ट्रिक्स। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।